नॉलेज लाइब्रेरी साइंस में आपका स्वागत है। हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे इग्नू के बीएलआई के, बीएलआई 221, जिसका मैं दो पार्ट बना चुकी हूँ। आज हम करेंगे, क्योंकि 70 क्वेश्चंस थे तो मैंने एक ही वीडियो में नहीं किया है, मैंने इसको पार्ट किया है तीन वीडियो में। तो ये तीसरा वीडियो है हमारा आज, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 70 तक करके आज इस क्वेश्चन पेपर को हम फिनिश करेंगे। ठीक है, हमारे चैनल पे आपको एकदम करेक्ट एंड सही आंसर्स मैं दे रही हूँ। इवन मैं उसका प्रूफ भी दे रही हूँ आपको, मैं आपको बुक में सही आंसर्स दिखा भी देती हूँ कुछ क्वेश्चंस के, जिससे आपको ट्रस्ट आए कि मैं एकदम करेक्ट आंसर्स बता रही हूँ। क्योंकि बाकी चैनलों में मैंने बहुत देखे हैं, उन्होंने गलत आंसर्स बताए हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो करो और हमारे चैनल को शेयर करो जितना हो सके, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको एकदम करेक्ट आंसर्स मिल रहे हैं, जो आपको किसी और चैनल पे नहीं प्रोवाइडेड हो रहा है। चलिए आज हम स्टार्ट कर देते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 46 से। तो ये हमारा 46 है, क्वेश्चन नंबर 46, जहाँ से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं। द कॉलेज लाइब्रेरी हैज़ टू बी मेड द इंटेलेक्चुअल हब ऑफ द इंस्टीट्यूशन, सर्विंग इक्वल बोथ फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। ये एकदम ट्रू है, इसका आंसर वन है। कॉलेज लाइब्रेरी क्या है? एक इंटेलेक्चुअल हब है एक इंस्टीट्यूशन का, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूशन का, ठीक है। वो क्या करता है? वो सर्व करता है इक्वली वो स्टूडेंट्स को और टीचर्स को, टीचर्स को उनके लेक्चर्स के लिए, स्टूडेंट्स को उनके असाइनमेंट्स के लिए, उनकी उनके जो भी उनका सिलेबस है, उनकी जो स्टडी है, जिस भी कोर्स में उन्होंने इनरोल हुए हैं, उस कोर्स को अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए हेल्प करता है। कौन? कॉलेज लाइब्रेरी। उससे उन्हें प्रोवाइड करता है वो रिसोर्सेज, जिस रिसोर्सेज की उन्हें रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो टीचर्स हो या वो स्टूडेंट्स हो। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट हैव नॉट कंट्रीब्यूटेड टू द पोस्ट इंडस्ट्री सोसाइटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो SR रंगनाथन है, ठीक है। डैनियल बेल, टॉम स्टोनर और एल्विन टोफलर, इन तीनों ने कंट्रीब्यूट किया था पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ एंड डैश इज अ स्टेज इन द इवेल्युएशन ऑफ कम्युनिटी ब्रेन टूअर्ड अ वर्ल्ड ब्रेन। तो इसका जो राइट आंसर है, इंफॉर्मेशन सोसाइटी। इंफॉर्मेशन सोसाइटी क्या है? यह स्टेज है इवेल्युएशन का, कम्युनिटी ब्रेन का, टूअर्ड द वर्ल्ड ब्रेन। मैं आपको ये क्वेश्चन बुक में दिखा सकती हूँ, चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है ब्लॉक वन में, यूनिट है हमारा वन, यूनिट वन, ब्लॉक वन, BLI का ब्लॉक वन, यूनिट वन। उसमें जब आप डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी देखेंगे तो उसके अंदर आपको मिलेगा, एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी इज अ स्टेज ऑफ द इवेल्युएशन ऑफ कम्युनिटी ब्रेन टूवर्ड अ वर्ल्ड ब्रेन। सी, ये यहाँ से ये आंसर, ये क्वेश्चन बनाया गया है, जिसका आंसर इंफॉर्मेशन सोसाइटी है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है, ये सेम सेंटेंस यहाँ पर है, ठीक है। ये हमारा 48 क्वेश्चन है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस बुक से ही लिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नॉलेज सोसाइटी मेक्स अवेलेबल नॉलेज ईजीली टू ऑल ओवरकमिंग द इन द सोसाइटी। तो वो क्या है? प्रॉब्लम्स, ठीक है। क्या है? प्रॉब्लम्स है। जो प्रॉब्लम्स होती है उसको हमें ईजीली ओवरकम करने के लिए हेल्प करता है हमारी नॉलेज सोसाइटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द थ्री प्राइमरी टाइप ऑफ
कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, स्ट्रक्चरल कैपिटल एंड कस्टमर कैपिटल आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अ नॉलेज सोसाइटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? राइट आंसर है इसका ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नॉलेज सोसाइटी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। एग्रीकल्चर लाइब्रेरीज, मेडिकल लाइब्रेरीज एंड इंजीनियर लाइब्रेरीज आर द एग्जांपल ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी। ठीक है, इसका जो आंसर है वो स्पेशल लाइब्रेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रू वर्चुअल लाइब्रेरी आर, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके वर्चुअल लाइब्रेरी के? तो वो हैं ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि देयर इज़ अ नो क्रॉसपॉन्ड फिजिकल कलेक्शन, डॉक्यूमेंट विल बी अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, डॉक्यूमेंट आर नॉट स्टोर्ड इन एनी वन लोकेशन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको बुक में दिखाती हूँ कि मुझे ये बुक में ये क्वेश्चन कहाँ मिला था। तो ये मिला था मुझे ब्लॉक वन, BLI ब्लॉक वन। ठीक है, BLI 221 ब्लॉक वन, यूनिट है हमारा 2। ठीक है, वर्चुअल लाइब्रेरी के अंदर हम गए, द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू वर्चुअल लाइब्रेरी। तो यहाँ पर है देर इज़ नो कॉरस्पॉन्डिंग फिजिकल कलेक्शन, ठीक है, नो डॉक्यूमेंट विल बी अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, सॉरी documents will be available in electronic formats, documents are not stored in any one location, ठीक है, documents can be accessed from any workstation, documents are retrieved and delivered as and when required, effective search and browse facilities are available। ठीक है, तो ये 6 की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके? वर्चुअल लाइब्रेरी के। किसके हैं? वर्चुअल लाइब्रेरी के। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये हमारे कुछ हैं जिससे हमें पता चला कि इसका जो राइट आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव है। ठीक है, तो ये है, मैंने इस तरीके से मैं आपको एविडेंस दे रही हूँ कि हमारे आंसर्स जो हैं वो पूरी तरीके से करेक्ट हैं। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और जितना हो सके इसे शेयर करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, डैश लाइब्रेरी इज अ टर्म यूज्ड बाय लाइब्रेरियंस टू डिस्क्राइब लाइब्रेरीज कंटेनिंग अ मिक्स अ ट्रेडिशनल प्रिंट लाइब्रेरी रिसोर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स। तो इसका राइट आंसर क्या है? वो है हाइब्रिड लाइब्रेरी। हाइब्रिड लाइब्रेरी इज अ टर्म यूज्ड बाय लाइब्रेरियंस, जो कि लाइब्रेरियंस यूज करते हैं किस चीज़ के लिए? डिस्क्राइबिंग लाइब्रेरीज कंटेनिंग मिक्स ऑफ ट्रेडिशनल प्रिंट लाइब्रेरी रिसोर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉलेज क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशन, इसमें से कौन सा जो है वो नॉलेज क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है? तो वो है मार्केट, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिलेक्टिंग एब्स्ट्रैक्टिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग एंड डैश इंफॉर्मेशन आर द एक्टिविटी ऑफ एन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इवेलुएटिंग। ठीक है, इस आंसर को हम देख लेते हैं कि ये हमें कहाँ पर बुक में मिला था। तो ये हमें मिला था BLI 221 ब्लॉक वन। ठीक है, ब्लॉक वन पे जो यूनिट 3 है उस पे हमें मिला था ये आपको जो टेबल दिख रहा है यही इसका आंसर है। इसमें है सिलेक्शन, एब्स्ट्रैक्टिंग, एक्सट्रैक्टिंग और इवेलुएशन। ठीक है, यहीं से हमें ये आंसर मिला है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको पूरे एविडेंस दिए हैं। ठीक है, आप इस तरीके से खुद से भी सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा कलेक्शन एंड कंट्रोल, कोडिफिकेशन एंड रिट्रीव आर एक्टिविटीज ऑफ अ, ये किस चीज़ की, मतलब क्या, किस चीज़, किस सेंटर का कह सकते हैं एक्टिविटी है? तो ये है डेटा सेंटर का। ठीक है, ये आंसर भी मैं आपको बुक में दिखा सकती हूँ। चलिए देखते हैं इसका जो राइट आंसर है वो है BLI 221 ब्लॉक वन में। ठीक है, यूनिट जो है, यूनिट है हमारी 3,
डेटा सेंटर वाली, ठीक है, उसके अंदर आप अगर देखोगे इट मे बी स्टेट दैट द एक्टिविटीज ऑफ डेटा सेंटर कंप्राइज, तो क्या क्या है, डेटा कलेक्शन, डेटा कंट्रोल, डेटा कॉडिफिकेशन, डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चरिंग इनटू अ डेटाबेस एंड डेटा रिट्रीवल, तो ये पांच इसके एक्टिविटीज़ है, ठीक है, फाइव एक्टिविटीज़ है, ठीक है, फाइव एक्टिविटीज़ हैं जो कि इसके अंदर आते हैं, इसी से हमें यहाँ का आंसर मिला है। तो इस तरीके से अगर आप खुद से सर्च करना चाहते हो तो आप खुद से भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ICT has made possible the dash of information, तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब पॉसिबल किया है ICT ने। इंफॉर्मेशन ब्रोकरिंग एस रेस्ट ऑन द एक्साइल प्रिंसिपल, तो इंफॉर्मेशन ब्रोकरिंग रेस्ट ऑन द एक्साइल प्रिंसिपल, इसका जो राइट आंसर है वो है इंफॉर्मेशन फॉर फ्री। इंफॉर्मेशन क्या है, फ्री है, एक्साइल प्रिंसिपल उनका क्या, इंफॉर्मेशन फॉर फ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 59 है, डैश आर मीडिएटर बिटवीन इंफॉर्मेशन सोर्स एंड इंफॉर्मेशन यूज़र, तो इसके बीच का जो मीडिएटर है वो है इंफॉर्मेशन फिल्टर। इंफॉर्मेशन फिल्टर जो है वो सोर्स और यूज़र के बीच का ब्रिज है, मीडिएटर है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ICOLC स्टैंड्स फॉर, ये क्या स्टैंड्स करता है, ये स्टैंड्स करता है इंटरनेशनल कोली जन ऑफ लाइब्रेरी एंड कंसोर्शिया, ऑप्शन फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडेस्ट स्टैंड्स फॉर, इंडेस्ट स्टैंड्स फॉर क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन थ्री, इंडिया नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये स्टैंड्स फॉर है ये, ठीक है, ऑप्शन थ्री इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, मेजर कंपोनेंट ऑफ अ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क आर ऑनलाइन डेटाबेस, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेटा नेटवर्क एंड मेंबर लाइब्रेरीज एंड डैश, इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बुक में दिखाती हूँ, ठीक है, हम बुक देखेंगे फर्स्ट। इसका जो राइट आंसर है वो है ह्यूमन नेटवर्क, अब हम ये बुक में भी देखेंगे, तो बुक में चलते हैं, बुक है हमारी BLI 221 बुक ब्लॉक 3 यूनिट 9, ठीक है, यूनिट क्या है 9 है, ठीक है, ये देख लीजिए, ये है कंपोनेंट, ये आगे कंपोनेंट, तो यहाँ पर क्या क्या कंपोनेंट्स है, जैसे कि क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ मेजर कंपोनेंट्स के बारे में बोला है, इंफॉर्मेशन नेटवर्क के बारे में, तो ये रहा, ये कंपोनेंट्स है, ये इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स के बारे में पूरा डेफिनेशन से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो हम यहाँ पर आ रहे हैं कंपोनेंट्स में, अगर हम कंपोनेंट्स को देखें अच्छे से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ह्यूमन नेटवर्क, ऑनलाइन डेटाबेस, कंप्यूटर एंड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा नेटवर्क और मेंबर्स, ये सारे जो हैं इसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसका राइट आंसर निकाला है, ठीक है, तो आप देख सकते हो, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो या आप खुद भी जाके वहाँ पर चेक कर सकते हो बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, FORSA इज़ अ कंसोर्शिया इन द सब्जेक्ट, कंसोर्शिया ये फोर्सा इस, ये क्या है कंसोर्शिया, किस सब्जेक्ट का, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है। क्लिप क्या है, क्लिप वाज अर्लियर नोन एज, पहले से क्या बोलते थे इसे, LA बोलते थे, LA कहाँ का, UK लाइब्रेरी एसोसिएशन UK, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, LA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA, ठीक है, ड्राफ्टेड द कोड ऑफ इथिक्स फॉर सोसाइटी प्रोफेशनल ऑन द फॉलोइंग रिलेशंस, द गवर्निंग अथॉरिटी, देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड देयर फेलो एम्प्लॉयज विद इन द लाइब्रेरी, देयर प्रोफेशन एंड, इसका जो राइट आंसर है वो सोसाइटी है।
मैं आपको इसकी इसको बुक में भी दिखा देती हूँ कि बुक में कहाँ अवेलेबल है। बुक में देख लेते हैं, बुक में अवेलेबल है ये ब्लॉक BLI 221 के ब्लॉक 4 में जाएंगे, वहाँ पर आपको यूनिट 12 दिखेगा, जिसके अंदर आपको अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन कोड ऑफ इथिक्स में जाना है, जहाँ पर आपको सारे ड्राफ्टेड कोड्स मिल जाएंगे, जिसमें टोटल 5 है, गवर्निंग अथॉरिटी, देयर कॉन्स्टिट्यूंसी, फेलो एम्प्लॉइज विद इन लाइब्रेरी प्रोफेशन एंड सोसाइटी। ठीक, 5 उनके कोड्स हैं इथिक्स। चलिए हम अपने क्वेश्चंस में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ लिस्ट प्रोफेशन कैन बी कैटेगराइज इनटू डैश वोकेशनल एंड प्रोफेशनल पीरियड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्कॉलरली। ठीक है, यहाँ पर जो डैश दिया रखा है, डैश स्कॉलरली वोकेशनल एंड प्रोफेशनल पीरियड्स। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, द वर्ड ऑर्गेनिज्म कोड इज़ अ लाइब्रेरी साइंस टर्म। ये जो ऑर्गेनिज्म है इसको एज अ कोड हमने इस्तेमाल किया है लाइब्रेरी साइंस में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, फिजिकल कंडीशन ऑफ द बुक शुड बी प्रॉपर्टी मेंटेन, दिस इज नोन एज कंजर्वेशन। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो कंजर्वेशन है। LA इज द लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ, ये कहाँ का है, ब्रिटेन का है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, ग्रेट ब्रिटेन। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ दीज इज द ओल्डेस्ट लाइब्रेरी, तो वो कौन सी है, वो एस्थेटिक लाइब्रेरी है, बिकॉज एस्थेटिक लाइब्रेरी जो थी वो कब आई थी, वो आई थी 1804 में। ठीक है, और DPL आई थी 1953 में। ठीक है, ये आई थी 18, वैसे ये 18 से काउंट होगा, इसका नाम चेंज बहुत बार हुआ है, बट इसको एज अ काउंट तो हम 1836 से ही लेंगे। इसके नाम चेंज में जब पूछा कि नाम कब चेंज हुआ है, ये कब पब्लिकली ओपन हुई है, तो 1953 में। ठीक है, नाम बहुत बार चेंज हुए हैं नेशनल लाइब्रेरी के। और कैनोमेरा पब्लिक लाइब्रेरी कब है, 1896। ठीक है, इस तरीके से अगर आप याद रखोगे तो आपको अच्छे से याद होगा। यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन पेपर BLIS का सॉल्व कर दिया है। कौन सा वाला, BLI 221 का क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, जितना हो सके प्रमोट करो, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको एकदम करेक्ट आंसर्स मिल रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।